Hello friends. So let's talk about uh, visa. So this is a type of visa for the Spain. Spain job search visa. तो अगर आप इस्पेन में रहते हैं आप इस्पेन में आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया ये कोर्स कंप्लीट किया कोई ऑफिशियल कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद आप इस्पेन में रहना चाहते हैं तो कौन सा वीसा अप्लाई करें तो जॉब ये जॉब सर्च वीसा जो है होना चाहिए मुझे भी इस वीसा के विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं था आज मैंने सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि इस ये भी एक टाइप का वीसा अवेलेबल है अब इस वीसा को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये देखते हैं ये रिक्वायरमेंट्स यू नीड टू फुलफिल ये रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको पूरा करना है तो पहला जो है है ऑफिशियल डिग्री होना चाहिए आपके पास ऑफिशियल डिग्री इट मींस योर डिग्री शुड बी अथराइज बाय एनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन तो आपके पास ऑफिशियल डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री जो है गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट इस, इस गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी अथराइज होनी चाहिए लेटर फ्रॉम कॉलेज रिगार्डिंग योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कॉलेज का एक लेटर भी होना चाहिए कि आपने कोर्स पूरा कर लिया है तो वो भी होना चाहिए आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस जो कि मेडिकल इंश्योरेंस भी होना चाहिए आपके पास फॉर इंटायर ड्यूरेशन मेडिकल इंश्योरेंस फॉर इंटायर ड्यूरेशन मतलब आप जितना टाइम रहना चाहते हैं जैसे एक साल रहना चाहते हैं तो एक साल के लिए मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए बिकॉज लेटर फ्रॉम द बैंक विद सफिशेंट मनी दैट यू कैन अफोर्ड योर लिविंग एक्सपेंसेस मनी शुड बी इन योर स्पेनिस अकाउंट एक बैंक से लेटर भी होना चाहिए कि आप स्पेनिश बैंक है जो स्पेनिश बैंक अकाउंट में आपका एक है तो उसमें आपके पास सफिसंट मनी होना चाहिए और वो स्पेनिश बैंक अकाउंट बैंक आपको एक लेटर आपके पास एक लेटर होना चाहिए वो उसका कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है ऐसा नहीं कि आपके इंडिया के बैंक अकाउंट में है आपने उस उस लेटर से कुछ नहीं होना आपके पास स्पेनिश अकाउंट में होना चाहिए स्पेनिश अकाउंट में होना चाहिए आपके और अगर आप अप्लाई कैसे करें यू कैन अप्लाई इट ऑनलाइन एंड यू विल रिसीव रिस्पॉन्स विद इन ट्वेंटी वर्किंग डेज मतलब ट्वेंटी वर्किंग डेज़ में आपके पास आंसर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और बीस दिन में आपको जो है आंसर भी मिल जाएगा कि आपको वीसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब ऑफिसर डिग्री तो ठीक है अगर आप डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो ठीक है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी होना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं ऑफिशियल जैसे कोई ऑफिशियल जो होता है गवर्नमेंट द्वारा इगोनाइज होने चाहिए नहीं तो प्राइवेट तो बहुत सारे हैं यहाँ मिल जाएंगे आपको पर उनकी जो उनके द्वारा इशूड सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है जो ऑफिशियल डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है अब मनी कितना मनी जो है होना चाहिए देखिए लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पर मंथ ही इक्वल टू सिक्स हंड्रेड यूरो सिक्स हंड्रेड यूरोज छः सौ यूरो है तो बारह से मल्टीप्लाई करिए ट्वेल्व मंथ सिक बारह छः के अड़तालीस है ना बारह छः अड़तालीस न बारह छः बहत्तर बहत्तर सो इन टोटल सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड यूरोज इन योर स्पेनिश बैंक अकाउंट मतलब आपके पास बहत्तर सौ यूरो जो है आपके अकाउंट में होना चाहिए इस्पेनिश बैंक अकाउंट में होना चाहिए लेटर फ्रॉम बैंक और वो लेटर आपका बैंक आपको दे दे अब बहत्तर सौ का मतलब कितना हुआ बहत्तर मान लीजिए 800 8000 यूरो मान लीजिए तो अट्ठा चौंसठ अट्ठा चौंसठ कितना हुआ छ लाख छ लाख चालीस हज़ार ना तो छः लाख चालीस हज़ार होना चाहिए अस्सी से गुड़ा कर दीजिए एट्टी वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ एट्टी वन यूरो इक्वल टू 80 रुपीज़ तो मल्टीप्लाई एटी रुपीज़ से कर दीजिए तो आठ चौसठ वही छः लाख चालीस हज़ार के आसपास मेडिकल इंश्योरेंस फॉर वन ईयर मेडिकल इंश्योरेंस जो है मैंने बहुत पहले ख़रीदा था तो और अभी एक दोस्त से मैं कर रहा था तो वो उसका कितना था वही एक हज़ार के यूरो के आसपास था एड कलर इंश्योरेंस हाँ एक हज़ार के आसपास था तो एक हज़ार मतलब हो गया सात हजार दो सौ मतलब आठ हजार दो सौ आठ हजार दो सौ हो गया तो आठ हजार दो सौ एट थाउजेंड टू हंड्रेड यूरो hmm. वन ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो डिग्री जो ऑफिशियल होना चाहिए अगर आपके पास नहीं है किसी प्राइवेट से आपके पास है तो उस केस में क्या होगा एच पायर माई नॉलेज दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन अगर प्राइवेट से है तो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन तो आपके पास जो भी हो ऑफिशियल डिग्री हो ऑफिशियल किसी यूनिवर्सिटी से हो मतलब तो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पर ऑफिशियल हो गवर्नमेंट द्वारा रिक्गनाइज हो Uh, अगर ना हो तो उसके इसमें क्या होगा मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री कर लिया और उसके पास आपके पास कोई और अल्टरनेटिव है तो uh, या आपने प्राइवेट मतलब किसी तरह हैं पर आप कुछ आपको चाहिए एक तो uh, को, कोई कोर्स चाहिए तो उसका मतलब स्टे करने का कोई और अल्टरनेटिव तो ये है आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर एनी वीकेंड कोर्सेज़ टू एक्सटेंड योर एन आई एन आई होता है नेशनल आइडेंटिफिकेशन फॉर एक्स्ट्रक और एन आई ये होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इसी के लिए जो है तो ज़्यादातर तो लोग जब डिग्री करने आते हैं यहाँ पे जब स्टे फॉरेनर जो भी आते हैं तो उनको एक कार्ड दिया है रेजिडेंसी कार्ड और ये रेजिडेंसी कार्ड को यही होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एक तो अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया मार्च सितंबर में मास्टर डिग्री आपका ख़त्म हो गया तो एन भी जो है सितंबर में आपका ख़त्म हो जाएगा तो इस केस में आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसको कि वो थोड़ा और दिनों तक चले तो इस केस में यही है कि आप वीकेंड कोर्सेस करना शुरू कर दीजिए अप्लाई कर दीजिए किसी वीकेंड कोर्स में और वीकेंड कोर्सेज में कितना लगता है वन ऑफ माई क्लासमेट डिड दैट आफ्टर आवर मास्टर्स द फीस वॉज फ़ी वॉज टू थाउजेंड यूरो मतलब दो सौ यूरो का फी है तो आठ हजार सात सौ और दो हज़ार और जोड़ दीजिए तो क्या होगा आठ हजार दो सौ दो हजार और दस हज़ार दो सौ दस हज़ार दो सौ मतलब आठ लाख आठ लाख हो गया नौ लाख रुपए हो गए नौ लाख रुपए आई कैन सेयर मतलब तो ये एक अल्टरनेटिव है कि आप अपना एक तो है कि आप वर्किंग वीसा अरे जॉब सर्च वीसा अप्लाई कर दीजिए ये एक है कि जॉब सर्च वीसा अप्लाई करिए जॉब सर्च वीसा दूसरा तरीका ये है कि आप जो है एक्सटेंड कर दीजिए आपका एनआई का नेशनल ये जो रेजिडेंसी कार्ड है उसको एक्सटेंड कर दीजिए तो उसके लिए ये कोई ऑफ वीकेंड से ज्वाइन कर लीजिए और मुझे याद है कि मेरा एक एक स्टूडेंट आया था उसने भी ऐसे किया कि छः महीने का इंटर्नशिप था फिर वो यहाँ से जो है जर्मनी चला गया छः महीने का और इंटर्नशिप किया उसने मतलब तो पहले जो है एक साल का कोर्स किया फिर इंटर्नशिप पे गया छः महीने के लिए एक कंपनी में तो उसके बाद जो है इस्पेन से चला गया जर्मनी और फिर जर्मनी में फिर छः महीने का इंटर्नशिप किया और उस तरह वो दो साल हो गया उसके अब दूसरे साल में जब उसको जॉब मिल गया दो बार इंटर्नशिप करने पे जॉब कहीं ना कहीं मिल गया जैसे ही जॉब मिला तब उसने अपनी जो है डिग्री जो है डिफेंड किया और डिग्री ले लिया तो ये ये तरीके हैं चलिए ये भी मुझे ये नहीं पता था जॉब सर्च विषय के विषय में मुझे पता नहीं था और दूसरा तरीका तो मुझे पता था ओके होपफुली दिस वीडियो आपको पसंद आएगा और इफ़ यू हैव एनी कमेंट जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है like you subscribe you okay thank you bye, -bye.